हिंदुस्तान में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? ये बात है आज से 1400 साल पहले की। केरल के राजा राजा चेरामन अपनी बीवी के साथ महल के चारों तरफ घूम रहे थे। अचानक चेरामन ने चांद के दो टुकड़े होते देखे। तो सुबह होते ही पूरा वाक्य चेरामन ने दरबारियों को सुनाया। ऐसा किसने किया, लेकिन कोई जवाब न मिल सका। फिर कुछ दिनों बाद अरब से चंद लोग चेरामन के पास तिजारत के लिए आए। तो चेरामन ने मौका गनीमत जाना और पूछा, चांद के दो टुकड़े किसने किए हैं? अरबियों ने जवाब दिया, ये काम तो मक्का में नबूवत का दावा करने वाले मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने किया है। दूसरे ही दिन चेरामन ने सरकार की बारगाह में पहुंचकर सलाम कबूल कर लिया। तो कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखें।